अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है ना? एक्शन मतलब शुरू करो ग्रिमलॉक। ठीक है ठीक है। हे ड्रिफ्ट, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, हम तुम्हें मिस करते हैं। सोचा सब कुछ एक वीडियो डायरी में रिकॉर्ड कर लिया जाए जब तक तुम ऑप्टिमस के साथ हो, ताकि जब तुम यहाँ आ जाओ तो सब कुछ देख पाओ। कैसा लग रहा हूँ दोस्तों? हैंडसम ना? मैंने नया वाला वैक्स लगाया है। तो यहाँ ये चल रहा है? फिक्स इट, डिफ को हेलो कहना चाहोगे? साइबरटूनियन टेक डिटेक्टर को अपने कमांड टैबलेट से लिंक करने के बाद ही। दो अलग अलग कोडिंग लैंग्वेज जो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। फिक्स इट तो पहले जैसा ही है। तो ड्रिफ्ट, मैं तुम्हें बता दूं कि इस वक्त हम पर हमला हो रहा है। कैमरा छोड़ो और मेरे साथ आओ। जल्दी करो, हमें कहीं छिपना होगा। किसी को भी हमलावर नजर आ रहा है। वो साइबरटूनियन हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें जल्दी ही। Transformers, Robots in Disguise, Combine of Foes, Exiles. तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ। जल्दी करो, हमें फिक्सेट को भी ढूंढना है। Autobots! हम सब कमांड सेंटर पर मिलते हैं, वहां से शायद हम। Autobots! Autobots! Oh no! Whoa! ये क्या है? इस बार बिजली का बिल भरना भूल गए क्या? सिचुएशन रिपोर्ट दो। मुझे लग रहा है कि वो वहाँ चोटी पर है। बाल बाल बचा ले। हम पर आखिर कौन गोलियां चला रहा है? बदकिस्मती से जिसका निशाना इतना बुरा नहीं है। कुछ फायदा नहीं, हमें यह जगह छोड़नी होगी। मुझे कम दो। जल्दी करो, जल्दी जल्दी। आपके पीछे आ रहा हूं। मुझे लगा आप चले गए।
ग्राउंड ब्रिज के धमाके की वजह से मैं दूर क्लिफ पर जा गिरा और कम्युनिकेशन डिवाइसेज में ढूंढने में वक्त लगा। चलो चले। अगर उन्हें पकड़ लिया गया हो तो मैं वापस जा रही हूँ। लेफ्टिनेंट कभी नहीं चाहेंगे कि हम भी वहाँ जाकर फंस जाएं। पर वो हमें ढूंढेंगे कैसे? बम्बलबी ने ही ग्राउंड ब्रिज एक्टिवेट किया था जिससे उन्हें पता चल जाएगा हमारी आखिरी सेलिब्रेशन डेकोरेशन डेस्टिनेशन क्या सेट की गई थी। शुक्र है कि तुम दोनों बिल्कुल ठीक हो। सही कहा, बाल बाल बच गए। साइड स्वैप जैसे तेज ऑटोबॉट के लिए तो ये आसान था, उसका तो इंजन भी गर्म नहीं हुआ होगा यहाँ आने पर। साइड स्वैप? हाँ, बहुत आसान था। हाँ क्यों नहीं, बहुत आसान था। अब सुनो, जो भी हमलावर है वो आसानी से हार नहीं मानेगा, हमें नई जगह चाहिए, जल्दी। वो गुफा कैसे रहेगी जहाँ नाइट स्ट्राइक को पकड़ा था? ये तो बढ़िया आइडिया है। उस गुफा के मिनरल्स हमारे एनर्जी सिग्नेचर को छिपा लेंगे और इससे फायदा ये होगा कि दुश्मन हमें वहाँ ढूंढ भी नहीं सकेंगे। आपको क्या लगता है डैड? अब मैं क्या कहूँ बेटा, पर मुझे एक नए काम के आने की उम्मीद थी। अब हम गुफा में योजना बनाएंगे और पता लगाएंगे किसने हमारे घर को तबाह कर दिया। ऑटोबॉट्स, रूप बदलो और चलो। से कैसे बच गए? मैं तो इस कबाल खाने में बम्बलबी की कब्र बनाना चाहता था। ये ट्रैकर एकदम बेकार है और जाहिर है ऑटोबॉट्स ने अब तक अपने एनर्जी सिग्नेचर भी छिपा लिए होंगे। सही कहा, मैंने और मेरे साथियों ने पूरी जगह देख ली। वो बेवकूफ बॉट्स कहीं नहीं है। क्या कहा? तुम्हारे साथी? इतनी सी बात पर लड़ने की जरूरत नहीं है यार, हम सब तो एक साथ ही है ना। मैं तुम्हें बड़ी क्या बोल रहा हूँ। छोड़ो जाने दो। ये सब बस वक्त की बर्बादी है। किसे पड़ी है उन बेवकूफ ऑटो बॉट्स को ढूंढने की? मुझे पड़ी है। मुझे बम्बलबी का सर चाहिए और साइबरट्रॉन पर हमारे साथी भी यही चाहते हैं। उन्हें बम्बलबी और उसकी टीम चाहिए, इसीलिए तो उन्होंने हमें माफी दी और आजाद कर दिया, समझे थंडरहॉफ? हे, क्योंकि तुम स्टील जॉ हो, एक महान नकचड़ा, ये सब बकवास कर रहा है। मैं तुम पर यकीन कर लूं, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे किसी की ना सुनने की आदत नहीं है, मैं तो बस अपने साथियों का भला चाहता हूँ और मैं किसी को भी अपना मिशन खराब नहीं करने दूंगा। तुम्हें तो बिल्कुल नहीं थंडरहॉफ, समझे? मुझे लगता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जान गया हूँ तुम्हें मेरी जरूरत है। अब जो भी सोचना है सोच लो। तुम अचानक ऐसे मुस्कुराने क्यों लगे? क्योंकि हमारी मुश्किलों का हल मुझे नजर आ रहा है अंडरबाइट। अगर हम ऑटोबॉट्स को नहीं ढूंढ पा रहे तो हम ऑटोबॉट्स को हमें ढूंढने पर मजबूर कर देंगे। तीन बढ़िया रेंची, न्यूमेटिक रेंच प्ले सेट्स, 12 विंटेज ट्रैफिक कोन्स, 47 बढ़िया नए खरीदे हुए औजार और ये सब। आई एम सॉरी टेरी, ये सब खत्म होते ही हम स्क्रैपयार्ड को फिर से बना देंगे। बिल्कुल, और वो पहले वाले से भी बेहतर होगा। पहला वाला तो जला दिया गया या शायद उड़ा दिया गया। वो समझ गया। कोई बात नहीं डैनी, वैसे भी स्क्रैपयार्ड बस एक जगह ही तो है। मैंने न जाने कितनी बार घर बदले हैं, कुछ वक्त बाद फर्क भी नहीं पड़ता। मैं सच कह रहा हूँ तुमसे। फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल सही कहा। तुम ठीक तो हो साइड्स्वाइप? स्क्रैपयार्ड में जो हुआ उससे शायद तुम्हारा एग्जॉस्ट सिस्टम हिल गया। नहीं तो, मुझे बस ये उड़ते हुए जानवर अपने इतने नजदीक अच्छे नहीं लगते। बढ़िया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम उन हमलावरों को पकड़ने से पहले सब ठीक रहे। और फिलहाल मुझे नहीं पता हम उन्हें ढूंढे कैसे। मुझे पता है, मैं साइबरट्रोनियन टेक डिटेक्टर को अपने साथ ले आया हूँ जो हमें स्टंटिकॉन से मिला था। ये डिसेप्टिकॉन को डिटेक्ट नहीं करता लेकिन उनके हथियारों को जरूर करता है। वैसे इस गुफा में सिग्नल मिलना भी आसान नहीं है।
हमें स्कैन करने के लिए गुफा से बाहर जाना होगा जहां दुश्मन हमारा इंतजार कर रहा है। तो जो भी स्कैनिंग करना चाहता है जल्दी कर ले। हाँ हाँ बिल्कुल, साइड स्वाइप को भेज दो अकेले मिशन पर, और क्या। जानता हूँ तुम मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हो। बिल्कुल भी नहीं, तुमसे बेहतर इस काम को कोई नहीं कर पाएगा। मैं तो मजाक कर रहा था, मैं ऐसे काम अकेले आराम से कर लेता हूँ। लाओ मुझे दो, जरा देखें तो। इस चीज को ऑन कैसे करते हैं? इसमें कोई प्लग है क्या, या फिर कोई एंटेना है, या इस तरह से हिलाने से ये शुरू हो जाता है? लाओ मुझे दो, इससे पहले कि ये टूट जाए। नहीं, टीम लीडर होने के नाते मेरा हक बनता है कि मैं इसे ऑन करूंगा। मैं करूंगा, मैं भी। ऐसा लगा कि मेरी बारी है। मैंने कहा मैं कर लूंगा। सर ये मैं कर लूंगी। बस बताओ कौन सा बटन दबाना है। ये फिक्सिट कहाँ गया? पांच कॉन्टैक्ट्स। हाँ, और ये कोऑर्डिनेट क्राउन रिवर डैम के हैं। ये जगह पूरी तरह से ऑटोमेटेड है, पर अगर सेंटिकॉन ने इस डैम को कुछ भी किया तो इससे आसपास के इंसानों की जान को खतरा हो सकता है। ये एक जाल भी हो सकता है, हमलावर हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। हाँ शायद यही है, पर हम यहाँ हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। अब रूप बदलो और चलो। मैं सोच रहा था अगर ये जाल है तो हमें साथ में रहना चाहिए। सुना है ना एकता में शक्ति होती है, मेरा मतलब अलग अलग जाना बुरा होता है ना बम्बलबी। बुरा ये है कि तुम मेरे बम्पर से बहुत नजदीक हो, पीछे जाओ। ओह लेफ्टिनेंट, अगर स्टंटिकॉन्स को मारने की बजाय इस वक्त हमारा ही एक्सीडेंट हो जाए तो मुझे कोई ब्लेम नहीं करेगा। साइडस्वाइप, मैं चाहता हूँ कि पीछे से हमला होने पर तुम संभालोगे, तो और पीछे जाओ, ठीक है? पीछे जाओ और पीछे साइडस्वाइप। नहीं, 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 नहीं। तुम लकी हो कि ये पैसेंजर ट्रेन नहीं है, कोई तुम्हें देख लेता तो। शांत हो जाओ बम्बलबी, क्या पता अगर हम अलग हो जाते और तुम पर हमला हो जाता। यकीन नहीं होता तुमने ये सोचा नहीं। ठीक है, पर ऐसा शायद हो सकता था, पर ऐसा हुआ नहीं, तो अब हम मिशन पर ध्यान दे प्लीज। मैं कंट्रोल बिल्डिंग में जाकर वहां छिपे दुश्मनों को संभालता हूँ। तुम सब फैल कर जगह को घेर लो, जब वो मेरे पीछे आए तुम उन्हें पकड़ लेना। पता नहीं बम्बलबी, पर ये रिस्क नहीं होगा अगर हम इस तरह से अलग अलग जाएं तो? मतलब क्या होगा अगर ग्रिमलॉक पर हमला हो गया? ऐसा हुआ तो वो गए काम से। सुन रही हो? हाँ बोलो, क्या बात है? कुछ नहीं, बस देख रहा था कि तुम सुन तो रही हो ना। सुन सकती हूँ, चलो अब चुपचाप काम पर ध्यान दो। ग्रिमलॉक, तुम कहाँ पर हो? मैं पृथ्वी पर हूँ, क्या हुआ? तुम नहीं हो? साइडस्वाइप, अपना रेडियो बंद करो। अंडरबाइट क्विल फायर, और हम भी हैं यहाँ। कहा जाता है कि बेजान होने पर आप सपना नहीं देख सकते, पर मैंने देखा बम्बलबी, इस पल को देखा जब मैं अपने पुराने हिसाब बराबर करूंगा, क्योंकि तुम मुझे डिसेप्टिकॉन आइलैंड से ले आए। आज सब कुछ खत्म होगा। मैंने भी सपना देखा, जब हमारा सम्मान होगा हम हीरो बन जाएंगे। सबने टोपी भी पहनी थी। और ऐसा लगता है सिर्फ हम ही नहीं जो तुम्हें खत्म करना चाहते हैं। सौदा हुआ और मैं यहाँ तुम्हारे सामने आ गया, या शायद ये कहूँ कि तुमसे ऊपर आ गया। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे स्टीव जॉब, तुम्हें सबका ध्यान खींचना अच्छी तरह आता है। मस्का लगाने से बात नहीं बनेगी।
तुम इतना अच्छा बोलते हो कि तुम में से किसी ने नहीं सोचा कि मैं यहाँ अकेले कैसे आ गया। हाथ ऊपर करो स्टंटिकॉन्स, वरना मारे जाओगे। ऊपर रहने की कोशिश करो। अब मैं बताता हूँ कि जब मेरी सींग अंदर जाती है तो कैसा लगता है। तुम्हें दर्द होगा, इसलिए जाने दो। तो बताओ ना। लेफ्टिनेंट, उस चीज को निकालिए, वरना टर्बाइन ओवरलोड होकर इस पूरी जगह को तबाह कर देगा। कहो तो मैं मदद कर दूं। ये जाने ना पाए। ऑटोबॉट्स, मुझे कहो दो। और कोई इस चीज को टर्बाइन से निकाल दो जल्दी। साइडस्वाइप, अब तुम कहां जा रहे हो? स्टील जो, रुको। बहुत अच्छे साइडस्वाइप। मैंने कहा था ना, अलग अलग जाना अच्छा प्लान नहीं है। मैं स्ट्रॉन्ग आर्म और ग्रिमलॉक की मदद करता, तब तक तुम सोचो कि इस डैम को ठीक कैसे करेंगे। पर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी तो? अगर उन स्टंटिकॉन्स ने तुम सबको पकड़ लिया तो और मैं अकेला रह गया तो? तुम्हें यहाँ रहना है साइडस्वाइप, क्योंकि तुम सबसे तेज चढ़ सकते हो। हम वहाँ का काम करके तुम्हारे पास आ जाएंगे। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है। सबको जमा जाऊंगा, तुम सबको। आ जाओ मेरे प्यारो। यहाँ ऊपर अकेला लगता होगा ना? लगता है तुम्हारी टीम को तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब सिर्फ हम दो हैं, और जल्दी ही सिर्फ मैं बचूंगा। अब जबकि तुम ये सब नहीं देख सकोगे, मैं बता दूं, जल्दी ही मैं तुम्हारे दोस्तों को खत्म कर दूंगा बड़े आराम से, और वो भी बहुत ही दर्दनाक तरीके से। मुझे ऐसा नहीं लगता बंदर कहीं के, क्योंकि तुम बहुत बिजी रहोगे। सच में? किस में बिजी रहोगे? पानी में तैरने में। अच्छा आइडिया है लेफ्टिनेंट। मुझे भी यही लगा। रुको, हम किस बारे में बात कर रहे हैं? कोई भी मेरे दोस्तों के साथ ऐसा नहीं करता, भले वो इसी लायक हो। लगता है तुम सही से नाश्ता करके नहीं आए हो। सुबह का नाश्ता झटकेदार होना चाहिए। तुम हमें कभी नहीं पकड़ पाओगे ऑटोबॉट्स। ये रास्ता शायद हाँ। Sideswipe!
उसने डैम से डैम की मरम्मत कर दी। कमाल कर दिया साइड स्वाइप, जब तक रिपेयर क्रू नहीं आती ये ठीक रहेगा। ओ हे, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। हम यही तो थे हमेशा से। वैसे आज हम सब ने एक बात सीखी कि स्टील जॉ कभी भी वापस आ सकता है। और शायद साइबरट्रॉन पर उसके और साथी है जिनका सामना हमसे हुआ नहीं है। वहाँ कोई ना कोई बड़ी गड़बड़ जरूर है। स्टील जॉ बस उसका एक हिस्सा था। शायद ऑप्टिमस जानते होंगे कि घर तो नहीं पर घर जैसा है। हे, जो चला गया आखिर हम उसके लिए कब तक रोते रहेंगे? भले ही वो कितना भी प्यारा था। खैर जो भी हो, घर वही है जहाँ आपका परिवार और आपके दोस्त रहते हैं, है ना? बिल्कुल। और तुम सब बहुत लकी होगी, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, बस एक को छोड़कर। अनीश फॉर बम्बलबी, कृतार्थ त्रिवेदी एज साइडस्वाइप एंड अंडरबाइट, आदित्य राज शर्मा फॉर ग्रिमलॉक एंड क्विलफायर, अनीता डोकानिया एज स्ट्रॉन्ग आर्म, वैभव एज फिक्सिट, घनश्याम शुक्ला फॉर टेनी एंड थंडरहॉक, केतन एज रसल, राकेश एज क्लैंडाउन एंड स्टीलजॉ, स्टूडियो सुभाष स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड, राइटर सुमिता गांगुली, डबिंग डायरेक्टर राजीव सिन्हा, साउंड इंजीनियर दीपेश पाटिल।